सर, वैष्णो देवी यात्रा और अमरनाथ यात्रा कब से स्टार्ट कर रही है गवर्नमेंट? देखिए, ये स्टेट गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव नहीं है अमरनाथ यात्रा, ये होम मिनिस्टर की गाइडलाइंस हैं। जिस तरह अभी जी हमारा जो कोरोना वायरस का जो प्रकोप है धीरे धीरे कम होता जाएगा, और उसी तरह आगे जो भी उनकी गाइडलाइन आएंगी उसी पे अमल करेंगे। वैष्णो देवी के लिए मेरी बात हुई थी सीओ साहब से, शायद उसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अभी सोच रही है। ट्रेनें शुरू हो रही हैं, हमारे हवाई यात्रा भी शुरू हो रही है। उस सब को मद्देनज़र रखते हुए धीरे 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 हर तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। जैसे जम्मू में ऑरेंज जोन होने से दुकानें खुल गई हैं बहुत सी, और हमारे जो हॉस्पिटल ओपीडी थी पहले 20 लोग थे, आज मैंने पेपर में पढ़ा 30 की अब परमिशन दी गई, ऐसे 30 से 40 50 ऑटो खुल गए हैं। इस तरह आने वाले समय मुझे याद है, मुझे सोचता हूँ कि शायद थोड़े दिन के अंदर हमारी जो वैष्णो देवी यात्रा है वो किस ढंग से शुरू करें। ये MHA के ऊपर है और हमारी स्टेट जो LG गवर्नमेंट है उसके ऊपर है, या श्राइन बोर्ड जो हमारा जो वैष्णो देवी CO साहब हैं उनके ऊपर है। जिस तरह की गाइडलाइन आएंगी मैं यही प्रार्थना करूँगा कि माता वैष्णो देवी के चरणों में जो लोग आएँ उस जैसे ही खुलता है, जैसे ही आदेश आता है, उसका पालन करते हुए सोशल डिस्टेंस का, और हम लोग यात्रा कर सकें, यही आशा करते हुए कि आने वाले समय में इसके बाद अगर यात्रा वैष्णो देवी खुलेगी उसके बाद आशा करेंगे कि अमरनाथ यात्रा के लिए भी कोई ना कोई सलूशन निकलेगा और भोलेनाथ के दर्शन भी हम लोग कर सकेंगे।